हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ क्लास थर्ड आवर फोर्थ चैप्टर नेम इज लॉन्ग एंड शॉर्ट लंबा और छोटा इससे पहले हमने लेंथ को मेजर किया था इन सेंटीमीटर मैचेस्टिक लेजर्ट डाई स्लीव वैक्स कलर और राइट नाउ द न्यू टॉपिक इज द टी एच ई द एस एम ए एल एल स्मॉल छोटा एस सी ए एल ई स्केल टी एच ए टी टेट की वाई ओ यू यू आप एम ओ एस टी एल वाई मोस्टली ज़्यादातर यू एस ई यूज प्रयोग आई एन इन में एस सी एच ओ ओ एल स्कूल विद्यालय आई एस इज़ है एल आई के ई लाइक तरह टी एच आई एस दिस यह ओ एन ई वन एक द स्मॉल स्केल डेट यू मोस्टली यूज इन स्कूल इज लाइक दिस वन स्कूल में ज़्यादातर आप जो छोटी स्केल का यूज करते हैं वो कुछ इस तरह से होती है इन आवर फेयर कॉपी हमने सेंटीमीटर स्केल बनाई थी दिस इज दैट स्केल इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन वन सेंटीमीटर टू फ्रॉम जीरो टू 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 सेंटीमीटर जीरो टू थ्री थ्री सेंटीमीटर्स जीरो टू फोर फोर सेंटीमीटर्स जीरो टू फाइव फाइव सेंटीमीटर्स फिफ्टीन सेंटीमीटर्स एंड ईच नंबर्स के बीच में वन सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है फ्रॉम टू टू थ्री वन सेंटीमीटर थ्री टू फोर वन सेंटीमीटर बट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू फोर इट इज़ फोर सेंटीमीटर्स एंड जो इसमें छोटी लाइन्स दिख रही हैं बड़ी लाइन्स हैं फोर सेंटीमीटर जीरो वन एंड छोटी लाइन्स दिस वन फॉर मिलीमीटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मीन्स वन सेंटीमीटर, इनको ऐसे करते हैं, जीरो जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव 0 0.6, 0 0.7, 0 0.8, 0 0.9, 0 0.10 means 10, 1, 1 centimeter. So, how many millimeters in 1 centimeter? There are 10 millimeters in 1 centimeter. Have you ever seen this scale? Yes, in your geometry box. आपने स्किल देखी होगी आपने ज्योमेट्री बॉक्स में इन स्कूल्स में यूज करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ यहाँ पर चीज़ों को मेजर कर रखा है एंड सो कर रखा है कैसे सी एवरी थिंग इन सब को जीरो से स्टार्ट कर रखा है मेजर करना दिस वन इज वन सेंटीमीटर दिस वन इज अबाउट टू सेंटीमीटर एंड दिस वन इज अबाउट थ्री सेंटीमीटर दिस वन इज फोर सेंटीमीटर सी कॉर्नर ऑफ योर बुक आपकी बुक में भी एक स्केल बनी हुई है दिस इज ऑल्सो अ सेंटीमीटर स्केल आई एस इज है आई टी ई टी एस आई ई आर इजियर आसान टी ओ टू को एस टी ए आर टी स्टार्ट शुरू एम ई एस यू आर आई एन जी मेजरिंग मापना एफ आर ओ एम फ्रॉम से टी एच ई द जीरो एम ए आर के मार्क जीरो मार्क सीन दिस स्केल इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क. क्या यह ईजी है आसान है मेजरिंग करना फ्रॉम जीरो मार्क से यस सो राइट हियर, यस एल ओ ओ के लुक देखो ए टी एट पर टी एच ई दी एच आई एन जी एस थिंग्स चीजों डी आर ए डब्ल्यू एन ड्रॉन बनाया एन ई ए आर नियर पास या नज़दीक टी एच ई द एस सी एल ई स्केल ए एन डी एंड और एफ आई एन डी फाइन ढूंढना ओ यू टी आउट फाइंड आउट पता लगाएं या ढूंढें टी एच ई आई आर देयर उनके एल ई एन जी टी एच एस लेंस लंबाइया लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नेयर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंस स्केल के नियर जो चीज़ें बना रखी इन्हें देखो एंड फाइंड आउट करो इनकी लेंथ इनकी लेंथ को फाइंड आउट करना है सी दिस स्नेल की फुटप्रिंट का निशान है पिन सो so, इनकी लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है ओके okay? जीरो से स्टार्ट किया है सो इट्स लेंथ इज अबाउट वन सेंटीमीटर नेक्स्ट पिन अबाउट जीरो से स्टार्ट है टू तक टू सेंटीमीटर फुटप्रिंट थ्री सेंटी मीटर यू कैन राइट सी एम नेल अबाउट फोर सेंटीमीटर नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज डब्ल्यू एच ए टी वर्ट क्या ए आर ई आर है टी एच ई द आई टी टी एल ई लिटिल छोटा एल आई एन ई एस लाइन्स छोटी लाइन्स रेखा ओ एन ऑन पर टी एच ई द एस सी एल ई स्केल यू एस ई डी यूज प्रयोग एफ ओ आर फॉर के लिए वट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज फॉर सी दिस स्केल स्केल्स में जो लिटिल लाइंस छोटी लाइन्स हैं इनका क्या यूज है किस यूज के काम आती है क्या यूज है इनका छोटी लाइंस किसके लिए यूज होती हैं सी ये छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए जो लेंथ बहुत छोटी हो विच इज लेस देन वन सेंटीमीटर जो मिलीमीटर में होंगी ड्रॉप ऑफ वाटर पी मटर का छोटा दाना नेल नेल अगर बहुत छोटा है वन सेंटीमीटर से छोटा तो मिलीमीटर में एन पी मटर का दाना भी बहुत छोटा होगा वन सेंटीमीटर से छोटी जो भी चीज़ें हैं उनको हम इनसे मेजर करते हैं विच इज इन मिलीमीटर मिलीमीटर इज स्मॉलर यूनिट देन सेंटीमीटर सबसे छोटा मिलीमीटर मेजर करेंगे देन सेंटीमीटर देन मीटर देन लॉन्ग डिस्टेंस इज इन किलोमीटर That means the little lines on the scale are used to measure short objects. Chuti chije object chije, short chuti. So, write here short objects, or you can write small things. Small things, ya toap small things liksakta hai ya fish, short objects. एज एग्जाम्पल ग्रेन राइस व्हीट अगर आप एक छोटे राइस को इसको आप घर पर करेंगे एट योर होम राइस चावल का एक छोटा दाना उसको देखना वन सेंटीमीटर से लेस देन आएगा उसको हम मेजर कर सकते हैं हाउ टू मेजर आपने यहाँ पर राइस रख दी एंड उसकी लेंथ आ गई अबाउट हेयर डैट मीन्स जीरो से स्टार्ट होता है जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री अदरवाइज मिलीमीटर में करना है सो वन टू थ्री फोर इनसे थोड़ी बड़ी है फाइव आफ्टर फाइव सिक्स सेवन एट एट मिलीमीटर और राइट नेक्स्ट एल ओ ओ के लुक देखो एफ ओ आर फोर के लिए टी एच आई एन जी एस थिंग्स चीजें टी एच ए टी डेट जो कि ए आर ए आर हैं लुक फॉर थिंग्स डेट आर क्वेश्चन वन ए बी ओ यू टी अबाउट लगभग टेन सी एन टी आई एम ई टी आर ई एस सेंटीमीटर्स एल ओ एन जी लॉन्ग लंबी लुक फॉर थिंग्स डेटा आर अबाउट टेन सेंटीमीटर्स लॉन्ग उन चीज़ों को देखो जो लगभग टेन सेंटीमीटर्स लंबी हैं कैन यू गैस कौन सी सी चीज़ें हैं जो टेन सेंटीमीटर लगभग टेन सेंटीमीटर हैं टेन सेंटीमीटर कितना होता है फ्रॉम जीरो टू टेन यू कैन चेक बाई योर फिंगर्स आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं टेन सेंटीमीटर इतना छोटा होता है तो इतनी ऐसी कोई चीज है कैन यू गैस सोपकेक साबुन की टिक्की साबुन होता है ना सोपारो राइट ही सोपकेक ऐसे और भी थिंग्स हैं एटसेट्रा नैक्स क्वेश्चन बी ई टी डब्ल्यू ई ई एन बिटवीन के बीच में टेन ए एन डी एंड और ट्वेंटी सी एन टी आई एम ई टी आर ई एस सेंटीमीटर्स ओ एन जी लॉन्ग लंबी बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर्स लॉन्ग टेन एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर्स लंबाई के बीच में ऐसी कोई चीज़ें फाइंड करनी है डैट मीन्स फ्रॉम जीरो टू हियर टेन टेन ये स्केल है फिफ्टीन सेंटीमीटर जितना नंबर टेन है टेन सेंटीमीटर इतना ही और इससे आगे को टेन होगा दैट मीन्स टेन एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए टेन से कम नहीं होना चाहिए और ट्वेंटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए दिस वन इज अबाउट इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17 एटीन नाइनटीन सेंटीमीटर स्पून राइट right हीयर स्पून चम्मच चम्मच जिससे आप सूप पी सकते हैं राइस खाते हैं एंड बोटल एटसेट्रा एल ई एस एस लेस छोटा या कम टी एच एंड देन से वन सेंटीमीटर सी एम सेंटीमीटर एल ओ एन जी लोंग लंबा लेस देन वन सेंटीमीटर लॉन्ग एक सेंटीमीटर से कम हो जो सेंटीमीटर्स को शॉर्ट में सी एम लिखते हैं सो वन सेंटीमीटर से कम क्या हो सकता है नेल और पी पी मटर का दाना पी ए पी ईटीसी एटसेट्रा इत्यादि नेल फिंगर नेल्स भी हो सकते हैं डी आर ए डब्ल्यू ड्रॉ बनाना है एस ओ एम ई समफ ऑफ का टी एच ई एम दैम इनमें से एच ई आर ई हेयर यहाँ ड्रॉ सम ऑफ दैम हेयर इनमें से कुछ यहाँ ड्रॉ करना है सोप केक अबाउट टेन सेंटीमीटर लॉन्ग टेकआउट योर स्केल टेन सेंटीमीटर सी दिस ग्रिड टेन सेंटीमीटर से छोटा है टेन सेंटीमीटर यहां आ रहा है फ्रॉम जीरो टू टेन सो इसमें हम और दूसरी स्मॉल थिंग्स बनाएंगे पी ड्रॉप ऑफ वाटर पानी की बूंद नेल ऑफ योर फिंगर्स एटसेट्रा ऐसे ही आप चीजें बना सकते हैं एम ओ यू एस ई माउस चूहा डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर कहाँ ए आर ई आर है वाई ओ यू यू तुम माउस वेर आर यू माउस तुम कहाँ हो आई मैं ए एम एम हूँ एच ई आर ई हेयर यहाँ आई एम हेयर मैं यहाँ हूँ सी हाउ लॉन्ग इज इट इतना लंबा है इसके सामने माउस इतना छोटा है ट्राई टू मेजर इट

एम ई ए एस यू R E मेजर मापना टी एच ई L ई एन जी टी एच लेंथ लंबाई ओ एफ ऑफ की वाई ओ यू आर यूराप के टी एच यू एम बी थम अंगूठा एंड एंड और वाई ओ यू आर यूराप का एल आई टी टी एल ई लिटिल छोटा एफ आई एन जी आर फिंगर छोटी उंगली यू एस सी यूज प्रयोग टी एच ई L एल स्केल ओ एन ऑन पर टी एच आई एस दिस यह पी एज पेज पन्ना मेजर द लेंथ ऑफ योर थम एंड योर लिटिल फिंगर यूज द स्केल ऑन दिस पेज आपको क्या करना है आपका थम दिस इज थम एंड दिस वन इज लिटिल फिंगर छोटी उंगली थम एंड लिटिल फिंगर को इनकी लेंथ को मेजर करना है कितने लंबे हैं यूज द स्केल ऑन दिस पेज स्केल पर इस पेज पर स्किल का यूज करते हुए ऑल राइट डब्ल्यू एच आई सी एच विच कौन सा आई एस है एल ओ एन जी आर लॉन्गर लंबा टी एच यू एम बी अंगूठा ओ आर और, और या एल आई टी टी एल लिटिल छोटी एफ आई एन जी आर फिंगर उंगली विच इज लॉन्गर कौन लंबा है थम और लिटिल फिंगर थम या फिर लिटिल फिंगर इन दिस पेज जो स्केल दे देखिए इसका यूज करते हुए फाइन थम और लिटिल फिंगर विच वन इज लोंगर कैन यू गैस थम इज लॉन्गर देन लिटिल फिंगर मेजर टेक स्केल एंड मेजर योर लिटिल फिंगर फ्रॉम जीरो टू अबाउट फोर सेंटीमीटर एंड थम इज अबाउट टेन सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो आपको लग रहा होगा थम तो छोटा है एंड लिटिल फिंगर बड़ा है सो लिटिल फिंगर इज लॉन्ग बट थम इसकी कंप्लीट जो बोन होती है यहां तक होती है तो हम यहां से मेजर करेंगे ऑल राइट right? सो थम इज ग्रेटर दैन लिटिल फिंगर सो राइट हियर थम अंगूठा थम इज लॉगर धैन लिटिल फिंगर और थम इज लॉगर बी आर आई एन जी ब्रिंग लाना एक एम ई एस यू आर आई एन जी मेजरिंग टी ए पी टेप वी था टी ओ टू को वाई ओ यू आर योर आपके सी एल ए एस एस क्लास कक्षा में ब्रिंग अ मेजरिंग टेप टू योर क्लास आपको अपने क्लास में एक मेजर टेप लाना है बट एट प्रेजेंट टाइम यू ऑल आर इन योर होम सो आपको मेजरिंग टेप सी मेजरिंग टेप फीता इस तरीके से होता है जैसे पकड़ा हुआ है स्केल यही स्केल बनी होती है नंबर्स लिखे होते हैं उसमें आप कभी अपने पेरेंट्स के पास गए होंगे शर्ट्स या सूट कुछ सिलवाने तो वो क्या करते हैं ऐसे फीते का मेजरिंग टेप का यूज करते हैं ओके जी यू ई एस एस गैस अंदाजा टी एच ई द एल एन जी टी एच लेंथ लंबाई ओ एफ ऑफ़ का डी आई एफ एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट विभिन्न पी ए आर टी एस पार्ट्स भाग ओ एफ ऑफ़ का वाई ओ यू आर योर आपके बी डी वाई बॉडी शरीर ए एन डी एंड और सी एच ई सी के चेक जांच आई एफ एफ यदि वाई यू यू आर यूर आपका जी यूएस गैस अंदाजा आई एस एस है सी आर आर ई सी टी करेक्ट सही गैस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड चेक इफ योअर गैस इज करेक्ट आपको गैस करना है आपके बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट हिस्से आपके बॉडी पार्ट्स के डि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को की लेंथ को क्या करना है गैस करना है देन चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं है आपका गैस करेक्ट था या नहीं वाई ओ यू यू आप सी एन कह सकते यू एस सी यूज प्रयोग ए एक एस सी एल ई स्केल कॉमा एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंग तार जैसे इसे पकड़ा हुआ है एम ही ए एस यू आर आई एन जी मेजरिंग टी ए पी टिपीता ई टी सी एट्सेट्रा इत्यादि मेजरिंग टेप स्ट्रिंग एंड स्केल तो आप अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को की लेंथ को मेजर करने के लिए पहले तो आपने गैस करना है देन चेक करना है और चेक कैसे करेंगे आप यूज कर सकते हैं स्केल स्ट्रिंग मेजरिंग टेप एट्सेट्रा मेजरिंग टेप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं या फिर स्केल का यूज कर सकते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जैसे फिंगर्स फिंगर्स हैंड रिस्ट फोर हेड अराउंड फोर हैड वेस्ट कमर और राइट right, ऐसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज करेंगे स्ट्रिंग हो गया ये मेजरिंग टेप एंड दिस वन इज स्केल स्ट्रिंग कोई ताघा आप कोई थ्रेड भी ले सकते हैं उसको आप लंबा करके ऐसे मेजर कर सकते है, इसका है, इसका हैं इसका हैंड देन आप उसको स्केल पे ऐसे चेक कर सकते हैं थ्रेड को यहाँ पे स्ट्रेट खोल के रख दिया तो देखेंगे कि वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है इससे भी लंबा है देन यहाँ पे आपने टिक कर दिया देन अगेन वहाँ से स्टार्ट किया मेजर करना सो थर्टी सेंटीमीटर मोर देन थर्टी सेंटीमीटर भी आप मेजर कर सकते हैं और राइट सो आपने ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड और स्केल से ट्राई टू मेजर योर बॉडी पार्ट्स लाइक योर हेयर्स

सी एन टी आई एम ई टी आर ई एस सेंटीमीटर्स आई एफ एफ वाई ओ यू यू ऑप एम ई एस यू आर ई मेजर मापना डब्ल्यू आई टी एच विद के साथ एक आरोपी रोप रस्सी कौमा एस एच ओ स्ट्रिंग मीन्स सू की फीता होता है जूते का फीता टी एच आर ई ए डी थ्रेड तागा एटीसी एट्सेट्रा थिंक हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ यू मेजर विद सू स्ट्रिंग थ्रेड एट्सेट्रा आपको एक ऐसा पता चलेगा नंबर ऑफ सेंटीमीटर कितने नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स हैं अगर आप रोप रस्सी से जूते के फीते से लेस ऑफ सु या थ्रेड तागे से मेजर करेंगे तो बिकॉज स्केल से मेजर करेंगे तो स्केल में तो सेंटीमीटर्स दे रखे हैं इन नंबर्स जीरो सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर बट रोप रस्सी से सुई स्ट्रिंग से या फिर थ्रेड धागे से अगर आप मेजर करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया मेजरिंग टेप भी एक तरीके से स्केल होती है सी मेजरिंग टेप है ये स्केल की तरह इसमें भी नंबर्स होते हैं बट स्केल से बड़ा होता है स्केल में ओनली फिफ्टीन सेंटीमीटर स्मॉल स्केल है फिफ्टीन सेंटीमीटर एंड जिससे लॉन्ग होगी थर्टी सेंटीमीटर होते हैं बट मेजरिंग टेप में, में ज़्यादा होंगे आप क्या करेंगे आपने सपोज आपने एक थ्रेड से इसका हैंड मेजर कर लिया इतना लॉन्ग है थ्रेड को स्ट्रेट रखा देन आपने थ्रेड को उसी थ्रेड उतनी ही लंबाई को एक्स्ट्रा थ्रेड को हटा देना है ओनली जितना आपने मेजर किया उतना आपने बस लेंथ चेक करनी लंबा कि कितना लंबा है थ्रेड फिर एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लिया देन उस थ्रेड को आपने मेजरिंग टेप को स्ट्रेट करके उसके सामने रख दिया या फिर ऐसे सामने रख दिया सपोज ये थ्रेड है एंड ये स्केल थ्रेड को स्ट्रेट रखा ऐसे आपका हैंड इतना मेजर हो रहा था आपने कट कर दिया नाउ ये पेंसिल की टिप कहाँ पे है फ्रॉम जीरो टू जीरो जहाँ पे जीरो की लाइन बनी हुई है जीरो टू फोर्टीन डेट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि वो फोर्टीन सेंटीमीटर है ऑल राइट सो यूज फॉर मेजरिंग विद द स्केल वी विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ स्केल फॉर इट यूज स्केल राइट वी विल यूज अ स्केल और अमेजरिंग टेप आप मेजरिंग टेप का यूज भी कर सकते हैं स्केल कॉम अमेजरिंग टेप नापने वाला फीता इसमें भी नंबर्स लिखे होते हैं नेक्स्ट सी जो बॉडी पार्ट्स हैं अब हम मेजर करेंगे यहाँ पे हाउ इन दिस टेबल एम वाई माई मेरा एम ई एस यू आर ई एम ई एन टी मेजरमेंट नापा जो उसने नाप रखा है मेजरमेंट किया है एम वाई माई मेरा एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स एस फ्रेंड्स दोस्त का एम ई एस यू आर ई एम ई एन टी मेजरमेंट माई मेजरमेंट माई फ्रेंड्स मेजरमेंट मेजरमेंट नाक एनओ एस सी नोज नाक डैस सेंटीमीटर्स सी एन टी आई एम ई टी आर ई एस सेंटीमीटर्स डे सी एन टी आई एम टी आर ई एस सेंटीमीटर्स नोज नाक आपको यहां पर लिखना है माई मेजरमेंट अपना एंड देन योर फ्रेंड्स मेजरमेंट तो आप कैसे मेजर करेंगे थ्रेड और रोप स्ट्रिंग मेजरिंग टेप और स्केल, स्केल आप सबके पास होगी सो मेजर योर नोज़ हाउ टू मेजर जीरो यहाँ पर रखेंगे देन मेजर योर नोज़ जहाँ पे आपकी नोज़ है नोज़ स्टार्ट हो रही है दोनों आई के बीच में वहाँ पर से स्टार्ट करें जीरो देन जहाँ पे आपकी नोज खत्म हो रही है वहाँ पे आप फिंगर को अपनी स्केल में रख दीजिए ऐसे तो यहाँ पे चेक किया कहाँ पे फिनिश हुई फोर सेंटीमीटर और थ्री सेंटीमीटर सो जो आपका मेजरमेंट आ रहा है आप वो लिखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा है फोर सेंटीमीटर आपका मेजरमेंट जो भी है आप वो लिखेंगे एंड योर फ्रेंड्स मेजरमेंट स्कूल में होते तो हम अपने फ्रेंड का मेजरमेंट लिखते अभी भी अगर आपको पता है आप लिख सकते हैं गेस करते हुए कि आपकी नोज फोर सेंटीमीटर की है तो आपके फ्रेंड की कितनी सेंटीमीटर की हो सकती है आपसे थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी सो राइट हियर थ्री सेंटीमीटर नेक्स्ट ए आर ओ यू एन डी अराउंड चारों और टी एच ई द डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट कलाई अराउंड द रिस्ट कलाई के चारों ओर जैसे यहां पे मेजर कर रही है रिस्ट कलाई इसमें गोल थ्रेड से इसने मेजर किया है देन उस गोल थ्रेड को वो ओपन कर देगी एंड स्केल के सामने रखेगी स्ट्रेट करते हुए सी उसने गोल उस पर मेजर किया नाउ इसको ओपन करेगी लाइक दिस स्ट्रेट एंड स्केल के सामने रख दिया सी इट्स अबाउट फिफ्टीन सेंटीमीटर। ये स्ट्रेट होना चाहिए ओके फिफ्टीन सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा लंबा है डेट मीनस अबाउट सिक्सटीन सेंटीमीटर और अगर आपका रिस्ट इससे कम आ रहा है आप सेम ऐसे ही मेजर करेंगे ओके इट्स अबाउट राइट हीयर आपकी सपोज इलेवन सेंटीमीटर हो एंड योर फ्रेंड इज़ अबाउट टेन सेंटीमीटर्स और आपसे ज़्यादा भी हो सकती है ए आर ओ यू एंड डी अराउंड टी एच ई द एच ई डी हेड सर सर के चारों ओर मेजर करें के पास लॉन्ग थर्टी सेंटीमीटर की स्केल होगी तो आप एक पेपर से थर्टी सेंटीमीटर स्केल बनाएंगे देन आप अप, अपने हेड के चारों ऐसे इसको लगाएंगे फॉर चेक ऐसे आप रिस्ट के लिए भी कर सकते हैं देन इसको ओपन करेंगे टिक करेंगे अगर आपने उसमें नंबर्स लिखे हैं अदरवाइज आपको इसको स्केल की हेल्प से चेक करना है सीनियर बुक आपकी बुक में भी है स्केल ऐसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं लाइक दिस इट इज अबाउट फ्रॉम जीरो टू ट्वेंटी फोर सेंटी मीटर सो आपका हेड इससे बड़ा होगा ये तो बहुत छोटा है आपका इससे बड़ा होगा

एच ए एन डी हैंड टी आई पी टिप सिरा ओ एफ ऑफ का एम आई डी डी एल ई मिडिल बीच में एफ आई एन जी फिंगर बीच के फिंगर का मिडिल फिंगर का सी टी ओ टू को डब्ल्यू आर आई एस टी रिस्ट कलाई हैंड टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू रिस्ट आपके मिडिल फिंगर के टिप से आपके रिस्ट कलाई तक मेजर करना है राइट हीयर ट्वेल्व सेंटीमीटर्स एंड एलेवन सेंटीमीटर्स दिस इज बेस्ड ऑन ऑनली गैस और मेजरमेंट मेजरमेंट करना है आपने ओके सो नाउ आपने जो कंपेरिजन किया है आपको दिख रहा है वन इज ग्रेटर वन इज़ लेस देन इनको ट्राई करना है फाइंड करने का इन योर रफ कॉपी नेक्स्ट डे आई विल टेल यू ऑल राइट सो एट योर होम यू विल ट्राई मेजर ऑफ योर बॉडी पार्ट्स